इन्होंने कहा रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद आप एक दफा हिस्ट्री खोल लीजिएगा, तो हिस्ट्री भाई ये ले, और हिस्ट्री खोलूं लेस करके पेज वाइज। सांबा के पैकेजेस इंस्टॉल किए, ये कमांड नंबर 7 पे ये सारे पैकेज इंस्टॉल किए सांबा के, उसकी सर्विसेज जो है वो इनेबल और स्टार्ट कर दी, ठीक है, ये सर्विसेज थी जो इनेबल स्टार्ट कर दी। उसके बाद जो है वो एहतियातन मैंने वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन का की सर्विस स्टॉप कर दी, और मैंने देखा मेरे पास DNS मस्करेड जो लिनक्स में DNS का काम करता है, DNS मस्करेड जो कि वर्चुअलाइजेशन के साथ चलता है, वर्चुअल मशीन्स को IP और असाइन करना और DHCP और DNS की सर्विस देने का काम करता है, वो भी मैंने बंद कर दिया। उसके अलावा मैंने जो है वो उसमें फायरवॉल को स्टॉप कर दिया था, SC लिनक्स को भी बंद कर दिया था चेक करने के लिए सिर्फ। उसके बाद मैंने फोल्डर क्रिएट किया और फोल्डर को फुल परमिशन दे दी 777 की। फिर मैंने यूज़र्स क्रिएट किए, दो यूज़र क्रिएट किए, एक यूज़र को एक ग्रुप क्रिएट किया, एक यूज़र को ग्रुप में ऐड कर दिया ऐसे ही, ठीक है। और फिर मैं samba.conf में गया, वहाँ जाके मैंने उस ग्रुप के ऊपर राइट्स दिए। फिर मैंने टेस्ट पैरामीटर की कमांड चलाई जिससे ये वेरीफाई होता है कि samba.conf में आपने जो जो कुछ किया है वो सही किया है या गलत किया है, ठीक है। और फिर मैंने एक्सेस करके देखा, एक्सेस हो रहा था, फिर मैंने फायरवॉल में रूल ऐड कर दिया फायरवॉल ऑन करके। और फिर मैंने SC लिनक्स के ऊपर मैं काम कर रहा था अभी, तो मैंने SC लिनक्स को क्या किया है भाई, गेट इन्फोर्स, SC लिनक्स को इन्फोर्सिंग मोड में रखा हुआ है। तो अब मुझे दो काम करने हैं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा होम फोल्डर एक्सेस हो तो मैं जो कमांड करूंगा वो क्या है, गेट SC बूल -a पाइप लगा के ग्रैब होम या पाइप लगा के ग्रैब सांबा। तो मैंने कहा सांबा के नाम से कौन कौन से इसमें मौजूद हैं, तो उसने बताया सांबा के नाम से ये बूलियंस हैं जो मौजूद हैं। अब इस बूलियन के अंदर कोई ऐसा आपको ऑप्शन नजर आ रहा है कि जिसमें होम डायरेक्टरी की बात की गई हो? मैं ये सोच रहा हूं कि आपको ये कैसे दिखाऊं कि थर्ड वाले ऑप्शन को यूज करना चाहिए या सेकंड वाले सेकंड लास्ट ऑप्शन को यूज करना चाहिए। तो मैंने यहां पे कमांड क्या लिखी है जरा देखिएगा, सेट SC बूल माइनस कैपिटल P। मैंने कहा सांबा को होम डायरेक्टरीज यूज करने दो, इस फंक्शन को ऑन कर दो, और जब मैं इस फंक्शन को ऑन कर दूंगा तो आप देखेंगे कि वही मेरा जो U1 मेरे फोल्डर को एक्सेस करने नहीं दे रहा था, मुझे मेरे अपने होम फोल्डर को एक्सेस करने नहीं दे रहा था, वो मुझे एक्सेस करने दे देगा। चेक करते हैं, माई यूजर अभी भी ये मैसेज दे रहा है, लेकिन U1 को ये मैसेज अब देना नहीं चाहिए क्योंकि हमने उसको ये कहा है कि यूजर होम डायरेक्टरी को यूज कर सके सांबा के थ्रू। क्या मैसेज दे रहा है? अभी भी वही मैसेज दे रहा है। इसका मतलब यह है कि जो मैं ऑप्शन यूज कर रहा हूं, जो मैंने यूज किया है, इसको मैंने ऑन कर दिया है यूज सांबा होम डायरेक्टरीज, लेकिन इसने काम नहीं किया। फिर मैं आया सांबा इनेबल होम डायरेक्टरीज, इसको मैंने कॉपी किया और मैं यहां गया, मैंने कहा सेट SC बूल माइनस कैपिटल P और इसको पेस्ट करो यहाँ पे और इसको भी ऑन कर दो इनेबल होम डायरेक्टरीज को। और जो पहले मैंने ऑन किया था उसको मैंने अभी छेड़ा नहीं है, लेकिन मैं उसको भी बंद करके आपको दिखाऊंगा। ये कर दिया और करने के बाद दोबारा यहाँ पे आ गया, रिफ्रेश किया, माई शेयर में जा रहा हूँ तो माई शेयर एक्सेसिबल नहीं है, U1 के अंदर जा रहा हूँ तो U1 एक्सेसिबल हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब देखिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि सांबा इनेबल होम डायरेक्टरीज वाले ऑप्शन को अगर आप ऑन कर दें तो उससे आपका जो होम फोल्डर होता है वो एक्सेसिबल हो जाता है। एक दफा फिर देखिएगा, मैंने दोबारा गया माई शेयर में, वो जाने नहीं दे रहा,
दोबारा गया U1 के अंदर, उसने मुझे अलाउ कर दिया, जाने दिया, तो इससे मैं क्या समझाऊं, इससे मैं क्या समझाऊं, इससे मैं ये समझाऊं कि जनाब गौर कीजिएगा मेरी बात पे। अभी यहां देख लें सांबा का स्टेटस क्या आ रहा है, कौन सा ऑप्शन ऑन है और कौन सा ऑप्शन ऑफ है। सांबा इनेबल होम डायरेक्टरीज, यानी कि मैं सांबा को कह रहा हूं सांबा तुम होम डायरेक्टरीज शो तो कर रहे हो, होम डायरेक्टरीज को यूज करने का भी ऑप्शन दे दो मुझे। तो जब मैंने ये सांबा को कह दिया तो सांबा ने मुझे होम डायरेक्टरीज को भी देखने का ऑप्शन दे दिया। लेकिन इसमें आप एक चीज गौर कीजिएगा, एक एक चीज जो है ना वो मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है जरा गौर से देखिएगा, आपने बताना है मुझे। जब मैं यहाँ पे ls माइनस l करता हूं और a करता हूं तो मुझे क्या क्या नजर आ रहा है, क्या क्या नजर आ रहा है। और जब मैं यहां जाता हूं और यहां जाके देखता हूं यू वन के अंदर डबल क्लिक करता हूं और यहां पे रिफ्रेश करता हूं तो क्या नजर नहीं आ रहा, फाइल नजर नहीं आ रही। भाई तुम मुझे फाइल क्यों नहीं दिखा रहे, जबकि वो भी तो मेरी होम डायरेक्टरी में रखी हुई है, ls माइनस l कैपिटल z, वो भी तो वही रखी हुई है, सॉरी a भी लगाऊंगा ना, वो भी तो वही रखी हुई है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। लगा हुआ तो है होम रूट अंडर स्कोर लगा हुआ तो है सबके ऊपर, वही तो लगा हुआ है। फैसल ने कहा सर जो ऊपर वाले टैग लगे हुए हैं उसमें और जो नीचे वाले टैग लगे हैं उसमें कुछ थोड़ा सा फर्क है, कुछ फर्क है थोड़ा सा है भाई, ये कह रहे हो ना तुम, ये मैंने तुम्हारी तरफ से कह दिया सही, ये कह रहे हो ना, एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो यहाँ पे लगा हुआ है वो यहाँ पे डिफरेंस है, अनकन्फाइंड यहाँ पे लिखा हुआ और सिस्टम यू यहाँ पे लिखा हुआ, ये एक डिफरेंस है। जब मैं वहां जाके देखता हूँ, चलो एक दफा बिस्मिल्ला पढ़ के देख लेता हूँ, इसको बंद कर दिया, दोबारा एक्सेस कर रहा हूं, विंडोज आर, यू वन में गया, राइट माउस क्लिक करके एक दफा, विंडोज की आदत होती है ना रिफ्रेश कराता है रिफ्रेश, और शिफ्ट के साथ भी F5 करते हैं तो रिफ्रेश है ना, सारे खाली F5 करते हैं तो भी रिफ्रेश होता है, मैंने शिफ्ट के साथ भी कर दिया, मैंने कंट्रोल के साथ भी कर दिया, मैंने F1 के साथ फंक्शन के साथ भी कर दिया, नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, उसकी वजह यह है, वजह देखिएगा, अगर आप रीस्टोर कॉन माइनस RV कर दें होम के ऊपर U1 के ऊपर ये कर दें तो आपकी जो फाइल के ऊपर टैग लगा हुआ था उसमें कोई चेंज आया क्या। हाँ आर कैपिटल कर दूं, तो भाई कैपिटल आर कर देते हैं, कोई चेंज आया है, यहां तो चेंज कुछ भी नहीं आया, हो गया बोला हो तो गया सर। आपने क्या किया है, आपने कमांड चलाई है और उसमें आपने कहा है कि जो होम मेन डायरेक्टरी के ऊपर लगा हुआ है U1 के ऊपर वही नीचे बैकएंड पे भी लगा दो। तो कुछ लोग क्यों है कह रहे हैं कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ भाई, पहले भी तो ऐसे ही आ रहा था। अच्छा अब होम हो गया, इन्होंने बोला सही तो हो गया। अब मैं गया जनाब यहाँ पे और मैंने कहा रिफ्रेश, रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही मुझे दे दिया यहाँ पे। इसकी वजह यह थी कि उसके ऊपर जो SC लिनक्स का टैग लगा हुआ था, लेबल लगा हुआ था, वो लेबल सूटेबल नहीं था। तो जब लेबल सूटेबल नहीं था तो वो उसको वहां दिखा भी नहीं रहा था, सही है। और अगर मैं यहां से कोई फाइल क्रिएट करता हूं, दोबारा एक दफा देख लीजिएगा, मैं अगर यहां जाता हूं, वो भी मैंने यहीं से क्रिएट की थी, दोबारा एक और टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूं जिसका नाम मैं लिखता हूं tata.txt, ये मैंने यहां से क्रिएट की है, वहां मैं जाता हूं, इधर देखता हूं तो उसके ऊपर क्या लेबल लगा हुआ है, जरा ये आप देखिएगा tata.txt के ऊपर लेबल क्या लगा हुआ है, वही लेबल लगा हुआ है user_home_t और tata.txt अब वहां पे नजर भी आएगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने एक बात तो ये जहन में रखनी है कि लिनक्स में
अगर आप सांबा करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सांबा होम डायरेक्टरीज को शेयर करता है, लेकिन आपको एक्सेस करने नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि एससी लिनक्स मेरी होम डायरेक्टरी को भी एक्सेस करने दे, तो आप इस वाले सिस्टम को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। अब इसमें आप, मैं अक्सर ये बात कहता भी हूं, तो अभी आप गौर करें जरा। अगर एससी लिनक्स लगी हुई है और यूजर कंप्रोमाइज हो गया है, यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड किसी को पता चल गया है, और उसको यह भी पता चला, उसने पोर्ट स्कैन की, उसको यह भी पता चल गया कि इसमें सांबा की सर्विस चल रही है, तो वो सांबा के थ्रू विंडोज की मशीन से एससी लिनक्स में आएगा। यूजर का नाम भी उसको मालूम है, उसको पासवर्ड भी मालूम है, वो वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर एससी लिनक्स लगी हुई होगी तो वो उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर कोई भी मैलिशियस कोड, कोई भी मेलवेयर डाल के एग्जीक्यूट नहीं करा सकेगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? चले, अगर नहीं भी समझ में आई तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर एससी लिनक्स लगी हुई है, होम डायरेक्टरी शेयर करानी है, तो आपको ये वाला पैरामीटर लगाना पड़ेगा। अब दूसरा ऑप्शन कि एससी लिनक्स अगर लगी हुई है और आपको शेयर ड्राइव जो आपने शेयर करा दी फुल राइट्स के साथ, वो अगर एक्सेसिबल नहीं हो रही, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये होम डायरेक्टरी नहीं है, इसमें बूलियन नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा वो देखें, एससी मैनेज फाइल कॉन्टैक्ट्स माइनस ए माइनस टी सांबा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी, कौन से वाले फोल्डर पे, एसएमबी शेयर वन के ऊपर, और उसके अंदर की जो चीजें हैं उनके ऊपर भी अगर लगाना होगा तो डॉट स्लैश, क्या होता है, स्लैश डॉट स्टेरिक, ऐसे होता है डॉट स्लैश स्टेरिक, ये होता है स्लैश डॉट स्टेरिक है, याद है इनको, माशाल्लाह। ये सही जी, ये पैरामीटर मैंने लगा दिया सांबा शेयर अंडरस्कोर टी, ये कॉन्टेक्स्ट लगा दिया। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं उसके ऊपर कोई कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है, तो ये आप LZ से देख सकते हैं कि आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है क्या। एसएमबी शेयर के ऊपर, एसएमबी शेयर के ऊपर अभी जो कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी लगा हुआ है। और जब मैं यहां पे आया और मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया, तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे वो जो शेयर फोल्डर है सांबा का, जो वहां से दिखाई भी दे रहा है और मैं उसमें नहीं जा पा रहा, एससी लिनक्स बंद करता हूं तो चला जाता हूं, एससी लिनक्स ऑन करता हूं तो नहीं जाता, वो मैंने लगा दिया। और अब लगाने के बाद, ये दो कमांड चलाने के बाद, कौन कौन सी दो कमांड्स, कौन कौन सी दो कमांड्स भाई, एक ये कमांड और उससे पहले ये कमांड। तो अब अगर मैं जाऊं और वहां पे चेक करूं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब उसको मुझे एरर देना नहीं चाहिए। विंडोज है, रिफ्रेश कर लेते हैं, मैं आया, डबल क्लिक की, उसने मुझे वो डायरेक्टरी खोल दी। तो आपने ये दो काम यहां पर करने, अगर आपकी एससी लिनक्स ऑन है तो जो भी शेयर होगा सांबा का, उस शेयर के ऊपर आपने ये पैरामीटर लगा रहे हैं एससी मैनेज का, और ये लगाना है। और दूसरा काम क्या करना है, अगर आपको होम डायरेक्टरी शेयर करनी है, एग्जाम में नहीं आता होम डायरेक्टरी शेयर करने का, ये आपको अपने उसके लिए बता रहा हूं मैं, कि अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आप बोलेंगे ऐसा किस सिचुएशन में होता है, तो वो सिचुएशन ये है, वो सिचुएशन क्या है जरा गौर करें, कि मेरे पास सांबा है, सांबा के अंदर मैंने विंडोज के यूजर्स की होम डायरेक्टरीज रखी हुई हैं सांबा पे, विंडोज के यूजर की होम डायरेक्टरीज कहां रखी हुई हैं, सांबा पे, लिनक्स की मशीन पे। किसी ने पूछा क्यों रखी हुई हैं? अब ये इसको आप बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा, लेकिन किसी ने बोला क्यों रखी हुई है, तो मैंने कहा लिनक्स है ना, इसमें वायरस नहीं आता।
सही है। बोला मैंने अपने विंडोज की फाइलें जो विंडोज में रखनी चाहिए, विंडोज की मशीन में रखनी चाहिए, फाइल सर्वर में रखनी चाहिए, वो मैंने एक लिनक्स का फाइल सर्वर बना के उसमें रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ भाई? इसने रखा हुआ है कि विंडो, अब देखो ये जरूरी नहीं ये बात सही हो, लेकिन मैंने रखा हुआ है, क्या बोल के कह रहा हूं कि भाई लिनक्स की मशीन में वायरस नहीं आता और आ भी जाए तो कुछ नहीं करता। वैसे ये ट्रू नहीं है, ये बात ट्रू नहीं है। वायरस तो आता है, वायरस तो आता है, वायरस तो 85% वायरसेस तो होते हैं एक्सटेंशन बेस्ड। उसको वहां वो एक्सटेंशन मिलेगा तो वायरस वो काम करेगा जो उसको करना है। क्लियर हुई बात? ये नहीं हुई? उसने काम करना है। तो ये एससी लिनक्स की ये दो चीजें जो आपने करनी है और मेरा काम जो है वो खत्म हो गया है। मैंने आपको ये दिखा दिया कि अगर आपको यहां पे विंडोज की मशीन के ऊपर, और एक चीज और, विंडोज की मशीन के ऊपर इसको परमानेंट करने का तरीका क्या होता है वो भी तो देख लो ना यार, वो भी तो देख लो। विंडोज की मशीन में गया, नेटवर्क पे गया, राइट माउस क्लिक की, नेटवर्क के ऑप्शन पे, मैं चाहता हूं मेरे पास जेड ड्राइव बनी हुई आए, उस एसएमबी शेयर की जेड ड्राइव बनी हुई आ जाए। मैं अब नेटवर्क ड्राइव पे गया, बोला जेड ड्राइव बनी हुई आए, किसकी किसकी बनी हुई आए, यहां से ये उठा लिया इसका वो, कैसे उठा लिया, कैसे उठाते हैं भाई, देखो ऐसे पकड़ा, ये उठा लिया यहां से कॉपी। चाहिए क्या? जेड ड्राइव, कहां गई जेड ड्राइव, ये यहां पे लाके पेस्ट कर दिया, रिकनेक्ट एट साइन इन ये कह दिया, और जनाब बस ये कह दिया और इसको फिनिश कर दिया। अब अगर मैं आपको जाके दिखाऊं अपने माई कंप्यूटर में, तो मेरे माई कंप्यूटर में एक जेड ड्राइव बनी हुई आ रही है। ये जेड ड्राइव कहां से आ रही है? ये वहां से आ रही है, वहां से मैंने परमानेंट कर ली। अब ये जब भी मेरी मशीन स्टार्ट हुआ करेगी, मैं डबल क्लिक करूंगा, यहां पे मुझे मेरी जेड ड्राइव मिल जाएगी। और जेड ड्राइव के अंदर मैं डेटा भी रख सकता हूं क्या? यस रख सकता हूं, क्योंकि वहां पे मैंने फुल रीड राइट एग्जीक्यूट के राइट दिए हुए टेस्ट टू, वो मैं रख सकता हूं। जी भाई क्लियर है ये बात? एक चीज और दिखा दूं। एक दफा इन्होंने कहा smb.conf की फाइल दिखा दें, तो मैंने कहा वो तो मैं दिखाऊंगा जो उसमें मैंने चेंजिंग की है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक काम और करके देखता हूं, दिखा रहा हूं आपको। मैंने कह दिया ये जो राइटेबल वाला ऑप्शन है ना, देखो इसको मैंने राइटेबल वाले ऑप्शन को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। राइटेबल नहीं चाहिए मुझे, तो राइटेबल नहीं है तो फिर क्या बन गया? रीडेबल बन गया। राइटेबल हटा दिया तो बाय डिफॉल्ट रीडेबल हो गया, और रीडेबल में भी कंडीशन लगानी है। राइटेबल में कंडीशन लगाई थी कि राइटेबल है लेकिन सिर्फ यूजर वन को राइटेबल देना, राइट सिर्फ यूजर वन कर सके। अगर वहां पे यूजर टू से लॉग इन करूंगा तो यूजर टू राइटेबल राइट नहीं कर सकेगा, यूजर टू राइट नहीं कर सकेगा। और जब मैं कहता हूं ब्राउजेबल, तो ब्राउजेबल के अंदर मैं एक ऑप्शन देता हूं और वो होता है वैलिड यूजर इज इक्वल टू यू टू या यू वन ही दे देता हूं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये रीडेबल है, और रीडेबल भी किस यूजर के लिए रीडेबल है? यू वन के लिए। अगर मैं यहां पे यू टू लिखूंगा तो ये यू टू के लिए, मैंने कहा यू टू के लिए कर दो। अब यू टू के लिए कर दो दूंगा मैं, एक मुझे चैलेंज आएगा, वो चैलेंज क्या होगा? डब्ल्यू क्यू से सेव भी कर दिया, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एसएमबी, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एनएमबी सब कर दिया। अब एक चैलेंज आएगा, वो चैलेंज ये है जो मुझे देखना पड़ेगा, वो चैलेंज ये है कि अगर मैं एक दफा विंडोज की मशीन के ऊपर कोई शेयर एक्सेस कर लूं तो विंडोज की मशीन जो है ना उसको क्या करती है?
अब जाऊंगा तो बगैर यूजर नेम पासवर्ड पूछे लॉग इन कर देगी। तो एक कमांड होती है जो हमें चलाना पड़ती है, वो कमांड कोई बताएगा मुझे? विंडोज आर, सॉरी सीएमडी। एक विंडोज के ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कमांड चलाना पड़ती है, कोई बताएगा भाई? वरना मुझे देखना पड़ेगी। ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया, उसने कहा यस, अब मुझे एक कमांड चलानी है भाई। वो नेट यूजर की कमांड होती है क्रेडेंशियल को, कैशे में जो क्रेडेंशियल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो कोई बता दे तो अच्छी बात है, वरना फिर मुझे खुद निकालना पड़ेगी। नहीं पता यार, ऐसा नहीं करो यार। क्या मकसद क्या है वो बता दूं? मकसद मकसद ये है कि जब मैं यहाँ पे विंडोज आर के अंदर जाऊं, रन करूं और बैक स्लैश करके 192.168.40.131 लिख के एंटर करूं, तो ये मुझसे जिस तरह पहली मर्तबा यूजर नेम पासवर्ड पूछा था, अभी भी पासवर्ड यूजर नेम पूछे ताकि मैं यूट्यूब से लॉग इन हो सकूं। कंट्रोल पैनल में क्रेडेंशियल मैनेजर यहाँ पे सेटिंग्स ही ना, सेटिंग नहीं, CREDENTIAL क्रेडेंशियल मैनेजर बिल्कुल है। विंडोज क्रेडेंशियल, वेब क्रेडेंशियल, विंडोज क्रेडेंशियल आ गया। कहाँ पे आ रहा है? आ कहाँ रहा है भाई? 41848 आ रहा है, 40.188.148 आ रहा है। हाँ, स्क्रॉल करके नीचे आऊं, बस यही आ रहा है। हाँ, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अब ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा भाई मुझे यूजर की, नेट यूजर की हेल्प दो ना यार। कैसे देते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाओ ऐसे करके, क्यों करके? खाली क्वेश्चन मार्क लगा दूं। आ गए भाई, नेट यूजर U1/delete लिख दूं भाई? है क्या और तो कुछ नहीं लिखना? बस मुझे लगता है और कुछ नहीं लिखना, इसी से मेरा काम बन जाएगा। इंटर कर दिया, कह रहा भाई हाँ यार ऐसे नहीं यार, आप लोग बता नहीं रहे सही से, मुझे देखना पड़ेगा। मैंने पहले भी बैच को, विंडोज की चीजें ना याद नहीं रहती यार। ट्रेनिंग में गया और मैंने कहा मुझे NET नेट यूजर की कमांड ढूंढ के दो, इसमें है नेट यूजर, वरना मुझे पॉकेट ड्राइव निकालना पड़ेगा, उसमें लाजमी होगी। मैंने इमेज बना के रखा हुआ उसका, अपनी पॉकेट ड्राइव में गया और कहा कि भाई NET नेट यूजर, यार पता नहीं किस नाम से बनाई हुई हो। अरे कैसे करा लूं डिफरेंट क्रेडेंशियल से? वो मुझे विंडोज जो है ना पासवर्ड पूछेगा तो दूंगा ना मैं, पूछेगा। हाँ हाँ, इसने बोला पूछेगा, याद आ गया मुझे यार, पूछेगा ना भाई। अगर आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे जाओगे और यहाँ जाके आप विंडोज से कहोगे, कहाँ पे जाओगे? यहाँ पे जाओगे, नेटवर्क में राइट माउस क्लिक करोगे और इसको मैप नेटवर्क ड्राइव करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे वाई ड्राइव और यहाँ पे आप वो पेस्ट करोगे माई शेयर और इसमें आप बोलोगे कनेक्ट यूजिंग डिफरेंट क्रेडेंशियल्स, ठीक है, और आप यहाँ पे फिनिश करोगे। तो उसको चाहिए कि वो आपसे यूजर नेम पूछे, मैं यूजर नेम पूछ बताऊंगा U2 और पासवर्ड दूंगा ABC123 और बोलूंगा क्रेडेंशियल को रिमेम्बर नहीं करना, नहीं भी करूंगा तो ये तो रखेगा ही रखेगा। उसके लिए फिर लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ता है या फिर वो नेट यूजर की कमांड चलाना पड़ती है, जो भी मुझे इंशाल्लाह मिल जाएगी।
और मैंने ओके कर दिया। अभी वो कनेक्ट कर रहा है और कनेक्ट करने के बाद जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे ये वाई ड्राइव भी देगा, और वाई ड्राइव जो मुझे देगा वो देगा रीडेबल, राइटेबल नहीं देगा, रीडेबल देगा। अभी वो इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और कनेक्ट करने की कोशिश में वो फेल हो सकता है। उसका रीजन ये है कि क्या मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मॉडिफाई करने के बाद सर्विस को रीलोड कराया है? हाँ, कराया तो है, कराया है तो सही है, तो होना चाहिए, आना चाहिए इसको। अब चेक करते हैं, नहीं रखा, रखा यार, इसने कहा आपने SMB पास WD माइनस ए U2 का पासवर्ड नहीं रखा, तो मैंने कहा U2 का पासवर्ड है ABC 123। अब रख दिया और सर्विस भी रीस्टार्ट कर देते हैं एहतियातन। सर्विस रीस्टार्ट भी कर दी। उसने कहा भाई तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड जो है ना वो नहीं हो रहा, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, इसको फिनिश करो, एक काम करो, पुराना वाला जो वो बना हुआ है, जो पुरानी वाली नेटवर्क ड्राइव बनी हुई है उसको जरा डिस्कनेक्ट करो और फिर दोबारा चेक करो। कहाँ ऑप्शन है डिस्कनेक्ट करने का? ये रहा। जब डिस्कनेक्ट हो गई तो मैंने कहा अब दोबारा जरा चेक करो नेटवर्क ड्राइव। मैप नेटवर्क ड्राइव माई शेयर कनेक्ट यूजिंग डिफरेंट फिनिश U2 और पासवर्ड क्या है ABC 123। ओके, अब देखते हैं क्या आता है। अटेम्प्टिंग टू कनेक्ट 192.168.40.131 माई शेयर 1, और वो यूजर 2 से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। रिजल्ट जो है वो अभी आपके सामने आ रहा है कि वो उसे क्या मैसेज दे रहा है। मैं एक दफ़ा फिर गया हूँ, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने खोली है vietcsamba.smb.conf, और उसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं एक बात ये सोच रहा हूं क्या ये वैलिड यूजर है या ये वैलिड यूजर्स है, मुझे नहीं पता। तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, उसने तो कनेक्शन देने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं यहां पे अपनी मशीन में गया और क्या कर रहा हूं, man5smb.conf फाइल का मैनुअल खोलो और मुझे सिर्फ ये बता दो कि यूजर वैलिड यूजर्स होता है, वैलिड यूजर्स होता है या वैलिड यूजर होता है, ये बता दो। भूल गया मैं, हाँ टेस्ट पैरामीटर बता देगा। नहीं अभी तो वो ऑप्शन कहाँ आया है, अब आएगा। अच्छा मैं वैसे ही वहां चला जाता हूँ। इन्होंने एक बात बताई, इन्होंने कहा सर आप टेस्ट पैरामीटर क्यों नहीं कर लेते, इंटर करें आपको पता चल जाएगा। बोला इतना आसान सा ऑप्शन आप कहाँ ढूंढते फिर रहे हैं। उसने यहाँ पे कहा अननोन पैरामीटर इनकाउंटर वैलिड यूजर, इग्नोरिंग अननोन पैरामीटर वैलिड यूजर, बोला फाइल ओके, ये पैरामीटर मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो आप कहाँ वहां ढूंढने चले गए। आप जाएं vietcsamba.smb.conf में और वहां पे जाके कर दें क्या, बोलें एस लगा दें सिर्फ आप, तो अगर आप एस लगा देंगे तो आपका मसला मैं समझता हूं कि हल हो जाएगा। और ये लगाने के बाद टेस्ट पैरामीटर दोबारा चला दें, अब वो आपको ये मैसेज नहीं दे रहा कि आपने एस गलत लगाया या सही लगाया। और अब वो आपको जब आप सर्विस रिस्टार्ट कर देंगे तो अब आपका मसला
कहाँ आप ढूंढने चले गए थे। तो अब अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे उम्मीद है कि ये मुझे यूज़र का नाम पूछेगा, मैं U2 दूंगा और ABC123 दूंगा, ओके करूँगा और वो मेरे मुझे कनेक्ट कर देगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कर देगा। और अगर नहीं करेगा तो फिर उसका तरीका यही है कि मुझे जाके वहाँ पे अपनी मशीन में उस वो जो नेट यूज़र की कमांड है वो चलाना पड़ेगी, क्योंकि वो चलाना जो है वो ज़रूरी है, उसके बगैर वो करता नहीं है, तंग करता है। जब तक वो उसकी ख़त्म नहीं होगी ना यार, इमेजेस के अंदर शायद रखा हुआ वो। अरे यार गूगल कर लेते हैं ना यार, यार लॉग आउट करूंगा तो मशीनें चल रही है ना बैक एंड पे। हाँ नहीं नहीं अभी अभी निकाल लेते ना यार, गूगल तो आपको ये भी बता देगा कि पॉज करके बताऊंगा ना यार। हाँ नेट यूजर डिलीट यूजर क्रेडेंशियल्स क्या है भाई, नेट यूज स्लैश डिलीट स्टैटिक डिलीट, सही है यही कह रहा है ना। अब मैं यहाँ पे चला गया, मैंने कहा भाई इधर देख लो, दोनों में से जो भी बेहतर लगेगा वो कर लेंगे, कमांड यही है। तो क्या कमांड है भाई, बोला है नेट यूजर लिखो, नेट यूज लिखो और उसके बाद जो है वो फोल्डर भी दो, यूज़र का नाम दो, पासवर्ड दे दो, ऐसे करना ऐसे कर दो या स्टैटिक लगा के कर दो। तो मैंने कहा मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे आया और यहाँ लिखा नेट यूज नहीं, यूज़र नहीं है, यूज स्टैटिक स्लैश डी, बोला ये लगा दो। तो उसने कुछ मैसेज दिया इस तरह का, मैंने कहा अच्छा ऐसा करो स्टैटिक की जगह पे क्या था U1 फिर लगा दो। अच्छा अभी हो सकता है वो डिलीट हो गया, तो दोबारा ट्राई करते हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम ये, दोबारा ट्राई करते हैं। फिनिश, ये हटा दिया, फिनिश किया, यूज़र नेम पूछा उसने, देखो मैंने हटा दिया था वो चेक कनेक्ट यूज़र डिफरेंट क्रेडेंशियल वाला, जो काम कर दिया उसने, यू पूछा U2 दे दिया, पासवर्ड दे दिया ABC123 और मैं उसको ओके करता हूँ। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसको चाहिए कि वो कनेक्ट कर दे। उसको राइट्स तो मैंने दिए हुए ना, U2 जो है वो वैलिड यूजर है। ग्रुप का क्या मसला, ग्रुप को तो हमने परमिशन दी नहीं, और अगर अभी भी नहीं कर रहा मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, अपनी मशीन में गया, विंडोज R किया, 131 को एक्सेस किया, 131 को एक्सेस किया तो एक्सेस हो गया, इसका मतलब है वो नहीं हुआ, U1 से एक्सेस हो रहा है, इसका मतलब है उसने U1 के उसको रिमूव किया नहीं है, ये कमांड सही चली नहीं है, इस कमांड को दोबारा देखना पड़ेगा कि इस कमांड को। हाँ दूसरा पेज कहाँ पे, ब्राउज़र पे गूगल क्रोम पे। अच्छा अच्छा वो वाला टैब है, लास्ट वाला टैब ओपन करें। नहीं नहीं यार रजिस्ट्री वाला मसला नहीं है, कैपिटल डी वाला ये करें ना सर, ये पूरा करूँ नेट यूज कैपिटल डी स्लैश डिलीट कॉपी, और मैं यहाँ पे आ गया और मैंने कहा अरे आ गए ना मुबीन भाई, ये बताएंगे यार माशाल्लाह ये विंडोज के चीते हैं, नेट यूज स्टैटिक स्लैश DELETE डिलीट कमांड सही चल रही, सही लिख रहा हूँ सर, एक और काम भी हो सकता है। नहीं पहले बताओ कमांड सही लिख रहा हूँ,
लेट और फिर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको कमांड पता चल जाएगी। अबे ये कमांड सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा ये बताओ यार। मशीन तुम ले जाओ, पहले कमांड तो बता दो, विंडोज के क्रेडेंशियल कैसे से क्लियर करने हैं, दूसरे यूजर से लॉगिन करना है, शेयर पोर्टल। यू वन ही आ रहा है यार। मैं यार मुझे अपनी पॉकेट ड्राइव में ढूंढना ही पड़ेगा लग रहा है। स्टार्ट रन सी एम डी नेट यूज स्टेरिक स्लैश डिलीट, सही तो लिख रहे हैं यार। एक और काम करता हूँ, दूसरा सी एम डी खोलता हूँ, विंडोज आर सी एम डी। माइक्रोसॉफ्ट को पता है लिनक्स का बंदा चला रहा है। अरे यार आ गया भाई, हो गया हो गया हो गया, सही है हो गया। वो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर वाली कमांड खोली थी ना, इसलिए द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हो गया भाई। सी एम डी को क्या एडमिनिस्ट्रेटर से चलाया? हाँ हाँ नहीं, नॉर्मल नॉर्मल से, एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं चलाया, नॉर्मल चलाया। पहले मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से चलाया था, अब ये मैंने रख के तुम्हारे में हर हर उसकी क्लास में जिसमें भी पढ़ाता हूँ ना ये वाली बात रख देता हूँ, लेकिन फिर जब ढूंढने लगता हूँ तो मिलती नहीं है। ट्रेनिंग में चला गया, ऑन वायर न्यू में चला गया, आरएससी में चला गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेट यूज, सेव कर दिया, डिलीट कर दिया। अब जब मैं जाऊंगा और विंडोज आर करूंगा और उसमें बैक स्लैश 192.168.40.131 लिख के एंटर करूंगा तो मुझसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। एक बार मैंने यहाँ पे दे दिया यूजर नेम के अंदर U2 और पासवर्ड दे दिया ABC123 और मैंने ओके किया। तो अब मेरे पास कौन सा यूजर आया? U2 आ गया। U2 का जो अपना यूजर है उसमें जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, वहां पे जाके कोई फाइल क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, PAPPU.txt, वो फाइल बन जाएगी क्योंकि SC Linux के अंदर इनेबल कर रखा है इनेबल होम डायरेक्टरी का ऑप्शन, सही है। और दूसरा ऑप्शन अगर मैं यहां जाऊंगा, ये क्या U1 भी दिखा रहा है, U2 भी दिखा रहा है, U1 भी दिखा रहा है। मैंने कहा U1 में जाओ जरा, जाने दे रहा है? नहीं, U1 में जाने नहीं दे रहा, दिखा रहा है लेकिन जाने नहीं दे रहा। दिखा क्यों रहा है, दिखाना भी नहीं चाहिए। खैर चलो, U2 में जाने दे रहा है लेकिन U1 में जाने नहीं दे रहा, U1 वैसे उसको दिखाना भी नहीं चाहिए। चलो दिखा रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। अब आ गया माई शेयर में, माई शेयर दिखाना चाहिए, यस दिखाना चाहिए। माई शेयर के अंदर मैंने लिखा हुआ है राइटेबल इज इक्वल टू, यस लिखना था तो राइट करवाना था, राइटेबल इज इक्वल टू नो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बाय डिफॉल्ट होता है रीडेबल। तो अब अगर मैं जाके इसमें कोई फोल्डर क्रिएट करने की कोशिश करता हूं तो उसको मुझे जो मैसेज देना चाहिए वो देना चाहिए यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। आप ये काम नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि आपके पास रीडिंग के राइट्स हैं, रीडिंग के, और रीडिंग के राइट्स भी इसको हैं सिर्फ U2 को। अगर इसके अलावा कोई और यूजर आता है तो उसको रीडिंग के भी राइट्स नहीं होंगे, हमने वैलिड यूजर में ये मेंशन किया हुआ है। हाँ वो रीड कर सकता है किसी भी फोल्डर के अंदर जाके चीजें, लेकिन क्या नहीं कर सकता, ये आप यहां पे देखें। पहले हमने क्या लिखा था, पहले हमने ये वाली लाइन नहीं लिखी थी, पहले हमने जो लाइन लिखी थी वो लाइन क्या थी, वो लाइन ये थी राइटेबल इज इक्वल टू यस और राइट लिस्ट इज इक्वल टू U1 या जो भी ग्रुप देना है तो परसेंटेज ग्रुप वन @G1 आप ऐसे दे सकते हैं। ये दो ऑप्शन है जो आपके पास शेयर करने के लिए मौजूद है, सही है। तो ग्रुप ही तो अलाउ करने की बात कर रहा हूँ, बता दो ये ग्रुप अलाउ। हाँ इसने कहा दो यूजर अलाउ करने, तो मैंने कहा U1 और U2। अब इसमें कॉमा लगाना है या नहीं लगाना ये मुझे कैसे पता चलेगा, WQ से सेव कर दिया, टेस्ट पैरामीटर का ऑप्शन मैंने दिया, अब देखते हैं जवाब में वो क्या मैसेज देता है मुझे। अब मैंने सोचा ये तो टेस्ट पैरामीटर तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को वेरीफाई करता है, क्या ये राइट साइड वाली वैल्यू को भी वेरीफाई करता है, तो मैंने क्या किया
देखें, मैं चला गया और मैंने कहा भाई यूजर के अंदर जाके कॉमा लगा दिया और बोला अब बताओ भाई। वैसे वैसे जो सही ऑप्शन है वो क्या है वो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप ये देखें, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है वैलिड यूजर्स, वैलिड यूजर के दरमियान में क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, सही है। तो वो इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं, कॉमा लगाया जाता है बीच में, जितने भी यूजर होंगे आप उसके बीच में कॉमा लगा दें। यहां तक कोई भी बात पूछने वाली है भाई तो पूछ लें, मैं इस वाली रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूं।